गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं राकेश कुमार यादव, मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है तो बहुभुज की कितनी भुजा है? अंतःकोण और बाहरी कोण का माप माप होता है, अंतःकोण और बाहरी कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री एक कोण का माप हो गया। बहुभुज के सभी कोण, सभी बाहरी कोणों का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री बटा 60 डिग्री, 360 में 60 का भाग जाएगा तो इसकी भुजा हो जाएगी 6 भुजा। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक किसी वस्तु को 384 में खरीदता है और 576 में बेचता है, तो 384 में खरीदता है और बेच रहा कितना है? 576 में। तो 576 में से 384 चला जाएगा, 192 रुपए का लाभ, 192 रुपए का लाभ। तो 192 बटा 384 इंटू 100, ये इसे चला जाएगा दो बार, तो चला जाएगा दो से 50 बार, इसका मान आ गया 50। अब बी वाले का, बी 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है, 1254 में खरीदता है, 1672 में बेचता है, कितने का लाभ हुआ? 418 का। 418 बटा 1254 इंटू 100, ये इसे चला जाएगा तीन बार, 100 बटा 3। तो ए का लाभ और बी का लाभ का अनुपात, तो ए का हो जाएगा 50 और बी का हो जाएगा 100 बटा 3। तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 अनुपात 100, तो ये चला जाएगा 50 से 3:2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 12 भाग 3, 12 में 3 का भाग देंगे, 12 में 3 का भाग देंगे 4 इंटू 7 प्लस 8, 7 और 8 15 माइनस 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 15 में से 3 चला गया 12, 12 इंटू 4 48। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, आंकड़े 9, 3, 5, 4, 4, 5 और वाई का माध्य, और वाई का माध्य है तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य कितना है इनका? वाई का माध्य वाई है, तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यह जाएगा 9 + 3 + 5 + 9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + y बटा संख्या हो जाएगी 2 2 4 3 7, इनका माध्य कितना हो जाएगा? y, तो हो जाएगा 30 + y बटा 7 = y, तो हो जाएगा 30 + y = 7y, 7 में से 1y चला जाएगा तो 6y = 30y = 5, y बराबर तो 5 हो गया, 1 2 3 5 हो गया, तो इसका बहुलक भी हो जाएगा 5। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा माँ और ये हो जाएगा पुत्र, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी 10 वर्ष पहले। पांच वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु की, तो 10 वर्ष पहले को अपन मान लेते हैं, ये हो जाएगा 10 वर्ष पहले का हो जाएगा 5, अपन 5 वर्ष पहले का मान लेते हैं, ये 5, ये भी 5, 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना था? 5:2, तो ये जाएगा 3 × 6 अक्ष माइनस 5 अक्ष, अक्ष बराबर 25 माइनस 5 × 10 मतलब 15, तो ये जाएगा, इसका मान हो जाएगा 15, इसका मान हो जाएगा 45। अब हो जाएगा इसकी एज 5 वर्ष बाद 50, इसकी हो जाएगी 20, और वर्तमान हो जाएगी इसकी 25 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 55, 25 और 55। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 9 के लगातार 3 गुणकों का योग
2157 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो 3 × 9, 9 के लगातार, तो पहली हो जाएगी 9 अक्ष, 9 अक्ष, दूसरा हो जाएगा 9 अक्ष प्लस, 9 अक्ष प्लस 9 कोष्टक, 9 कोष्टक अक्ष प्लस 1, और ये हो जाएगा 9 कोष्टक अक्ष प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 अक्ष प्लस 9 अक्ष प्लस 1 प्लस 9 अक्ष प्लस 2 बराबर 2157, तो ये हो जाएगा 9 अक्ष, ये भी हो जाएगा 9 अक्ष प्लस 9, ये हो जाएगा 9 अक्ष प्लस 18 बराबर 2157, तो 27 अक्ष बराबर 2157 माइनस 27 अक्ष बराबर 2157 में से 27 चला जाएगा, तो 2430 बटा 27 क्या आ जाएगा, 90 अक्ष बराबर 90, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 कोष्टक, ये सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 9 कोष्टक 90 प्लस 2, तो हो जाएगा 9 × 92, 9 × 92, 9 × 2 = 18 का 8 हासिल की 1 × 9 = 81, कैसी रेख 82, 828। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, 45, 78 और 117 तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 15 बार, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27, इसका HCF आ जाएगा इसका 3, HCF बराबर 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी, तो समान ब्याज की दर पर समान वर्षों में स्वयं की 16 गुनी, तो 16 गुनी, ये 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 की घात 4 है, तो ये 10 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 वर्ष के अंदर। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकिरणों की लंबाई 12 सेमी और 15 सेमी है, 12 सेमी और 15 सेमी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × विकिरणों का गुणनफल 1/2 × 12 × 15, तो ये 2 से चला जाएगा 6 बार, 15 × 6 = 90 cm². धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।